अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, नूनजे के किचन में मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए पालक और गोश्त की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से पालक और गोश्त। तो व्यूअर्स, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरी हर न्यू रेसिपी आपको फ्री में देखने के लिए मिले। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये मेरे पास है एक गड्डी पालक की। मैंने पालक को बारीक बारीक काट कर पहले से ही धोकर रख लिया था। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम पालक को बॉईल कर लेंगे। पालक को बॉईल करने के लिए मैं पालक को कुकर में डाल दूंगी। अब मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा दूंगी। अभी हम इस पर प्रेशर नहीं देंगे, इसको अभी मैं ढक्कन से कवर करके रखूंगी ताकि पालक थोड़ी सी नरम हो जाए और ये थोड़ी सी नीचे बैठ जाए। ये देखें, कवर करने से पालक थोड़ी सी नीचे बैठ गई है और पालक ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है। अब मैं इसको प्रेशर पर रख दूंगी। इसको हम ढक्कन से कवर करेंगे और इसके ऊपर अब मैं सीटी रख दूंगी। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। पालक को बॉईल करने के बाद मैं इसको एक छलनी में डाल दूंगी ताकि पालक में जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्रेन हो जाए और पालक अच्छे से ड्राई हो जाए। पालक को ड्राई करने के बाद अब मैं एक चॉपर ले लूँगी और मैं पालक को चॉपर में डाल दूंगी। अब मैं पालक को अच्छे से चॉप कर लूंगी। ये देखें, पालक अच्छे से चॉप हो गई है। इस तरीके से मैं बाकी पालक भी चॉप कर लूंगी। पालक चॉप हो चुकी है, अब इसको हम एक साइड पर रखेंगे। अब मैं पैन में डाल रही हूँ हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल। ऑयल प्री हीट हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। अब हम प्याज़ों को तब तक पकाएंगे जब तक प्याज अच्छे से लाइट से ब्राउन हो जाएंगे और प्याज़ों में मौजूद पानी भी ड्राई हो जाएगा और प्याज़ों का कच्चापन दूर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से देखें, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अब मैं दोबारा से मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि लहसुन और अदरक भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएं। लहसुन और अदरक भी प्याज के साथ अच्छे से भुना गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। पानी शामिल करने से मसाला बहुत अच्छे से भुना जाएगा। अब मैं इसमें अपने बाकी के स्पाइसेस ऐड करूंगी। नमक जाएगा हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। अब इन सब मसालों के साथ हम इसको दोबारा से भूनेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से प्याज में मिक्स हो जाए और मसाला अच्छे से भुना जाए। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाइए। पानी शामिल करने से मसाला बहुत अच्छा सा भुना जाता है और मसाले का कच्चापन भी दूर हो जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बारीक चॉप किए हुए टमाटर। अब हम मसाले को दोबारा से अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाला अच्छे से
भुना जाए और ये टमाटर प्याज वगैरह जो है अच्छे से मैश हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो मटन। अब मैं मटन को भी अच्छे से भूनूंगी। मटन को हम तब तक भूनेंगे जब तक मटन का कच्चापन थोड़ा दूर हो जाता है और इसमें एक मौजूद स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। मटन अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसको कवर कर रख दूँगी तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए, जब तक हमारा गोश्त अच्छे से गल जाता है। देखिए व्यूअर्स, हमारा टाइम पूरा हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं। सबसे पहले हम चेक करेंगे, ये देखिए बेहतरीन सा गोश्त गल गया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को तेज़ करके मैं गोश्त में मौजूद पानी को ड्राई कर लूँगी और गोश्त को मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया है, गोश्त में से ऑयल भी अलग हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें बॉईल की हुई भी पालक डाल दूंगी। पालक और गोश्त को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी ताकि पालक का कच्चापन दूर हो जाए और पालक गोश्त में अच्छी तरह से इसका फ्लेवर मिक्स हो जाए। पालक भूनने के बाद अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर दम पर रख दूंगी। दम का टाइम पूरा हो गया है, देखें पालक और गोश्त के ऊपर ऑयल आ गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा सालन रेडी है। आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा पालक और गोश्त का सालन रेडी हुआ है, कैसे हमने इसको झटपट रेडी किया है। आप इस तरीके से अपने घर में पालक और गोश्त बनाएं, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। वैसे भी सर्दियां हैं, सर्दियों में हर घर में पालक बहुत पसंद की जाती है और पालक गोश्त तो वैसे ही हर घर की जान है। तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ईजी है और बनाने में भी बहुत ईजी रहेगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नूनजे के किचन में मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।